सारे बच्चों को स्कूल भेज दिया मैंने, और अब मैं भी जल्दी से रेडी होती हूँ और शावर के बाद मिलती हूँ आपसे। पिछली दिवाली के मुझे मिले दिए, राइट, दीज आर 6 in number। तो अब इसको यूज करके बनाते हैं कुछ क्राफ्ट फॉर दी अपकमिंग दिवाली फेस्टिवल। देखो मेरे ग्लिटर दिए तैयार हैं। कैसे बनाए हैं भाई, ये देखने के लिए तो आपको जाना होगा आर्ट चैनल वर्सेटाइल फोटो पे। और इन दियों को किसी क्रिएटिव वे में यूज करने के लिए भी कुछ प्लानिंग चल रही है मेरी, तो देखते हैं आगे क्या बनता है। तो अब क्रिएटिविटी हो गई है, क्लीनिंग हो गई है। मुझे पता नहीं क्यों ये जो चीज़ें होती हैं ना, क्रिएटिव चीज़ें, बहुत किक देती हैं, बहुत बूस्ट देती हैं। और इस वक्त मैं छत पे बैठी हूँ ये काम करने के लिए। आई सीरियसली लव विद आर्ट, आई एम वेरी पैशनेट फॉर दिस। तो चलो, बहुत पसीना पसीना हो गया है, अब वाइंड अप करती हूँ सामान और फिर मिलती हूँ आपसे। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया मुझे इस क्रिएटिविटी के वर्क में। अब एनर्जी बूस्ट करने के लिए मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत है। तो ऐसे करते हैं, कॉफ़ी को इकट्ठे बीट करने के लिए जो ट्रिक मैं यूज़ करती हूँ, मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। कॉफ़ी के हमेशा ये छोटे छोटे पाउच लेती हूँ, क्योंकि वो उसको जम जाती है तो यूज़ नहीं होती है, तो मैं हमेशा ये कॉफ़ी के पाउच ही प्रेफर करती हूँ। इसके अलावा मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर, और उसके साथ मैं थोड़ा सा बॉर्नविटा यूज़ करूँगी। तो सेम वे जब मैं इसकी बात कर रही हूँ कि मैं इसके पाउच तभी यूज़ करती हूँ, तो बॉर्नविटा में भी यही प्रॉब्लम होती है कि वो भी हल्का सा मॉइस्चर लगने के बाद वो यूज़ के काबिल नहीं रहता है, तो मैं उसका भी हमेशा पाउच यूज़ करती हूँ। कि मैं इस कॉफ़ी को पोर कर देती हूँ इस ग्राइंडिंग जार। अब इसके साथ थोड़ा सा बॉर्नविटा डाल रही हूँ, ये मेरी पर्सनल ट्रिक है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। इसके साथ ही अब 12 चम्मच चीनी जाएगी, थोड़ा सा गरम करके पानी ऐड करना और इसे चीनी मेल्ट होने तक ग्राइंड करना। अब किसी ग्लास के ड्राई एयर टाइट कंटेनर में इसको पोर कर लो, लिड से कवर करके आप इसको फ्रिज में रख सकते हो, प्रिजर्व फॉर एटलीस्ट 10 days। सो 10 दिनों में जो भी गेस्ट आए, 1 स्पून इसका पोर करो हॉट मिल्क में और योर कॉफ़ी इज रेडी। मग कि इसको कैसे साफ करो, तो इसके लिए भी आप क्या करो, गरम दूध लो, पोर करो गरम दूध थोड़ा सा। देखो मेरी मस्त सी कॉफ़ी तैयार है ना, खूब सारी झाग वाली। अब मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। अरे, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, लाइक करना, शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।